उस लड़की से शादी करने में हर्जी क्या है, इसे आजमाने में हर्जी क्या है, उससे बात करने में हर्जी क्या है, साथ रहने में हर्जी क्या है। गाइज, आज हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज किया जाता है, ये वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको बता दूँ हर्जी क्या है, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है व्हाट डू यू लूज इन, व्हाट डू यू लूज इन। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट रूल जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा व्हाट, इसके बाद आपको लिखनी है डू और डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तो डज, बाकी सब पर्सन के पास डू यूज होगा। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद लूज इन, इसके बाद आपकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे से समझते हैं। उस लड़की से शादी करने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन मैरिंग दैट गर्ल, व्हाट डू यू लूज इन मैरिंग दैट गर्ल। साथ खाना खाने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन ईटिंग टुगेदर, व्हाट डू यू लूज इन ईटिंग टुगेदर। उसे अंग्रेजी सीखने में हर्जी क्या है, व्हाट डज ही और सी लूज इन लर्निंग इंग्लिश, व्हाट डज ही और सी लूज इन लर्निंग इंग्लिश। साथ रहने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन लिविंग टुगेदर, व्हाट डू यू लूज इन लिविंग टुगेदर। उससे बताने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन टेलिंग हिम, व्हाट डू यू लूज इन टेलिंग हिम। इसे आजमाने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन ट्राइंग इट, व्हाट डू यू लूज इन ट्राइंग इट। उस लड़की से मिलने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन मीटिंग दैट गर्ल, व्हाट डू यू लूज इन मीटिंग दैट गर्ल। उसे बुलाने में हर्जी क्या है, व्हाट डू यू लूज इन कॉलिंग हिम, व्हाट डू यू लूज इन कॉलिंग हिम।